चलिए रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी नहीं होगी। बीजेपी विधायक केदार कश्यप ने कहा है कि हम 2 साल का बोनस 25 दिसंबर को दे देंगे, लेकिन चौथी किस्त कांग्रेस ने नहीं दी तो कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस ने किस्तों में न्याय देने की कोशिश की है। तो केदार कश्यप का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसान न्याय योजना की जो चौथी किस्त है वो जारी नहीं होगी। बीजेपी विधायक केदार कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अगर चौथी किस्त नहीं दी है तो इसकी दोषी जो है कांग्रेस है। तो वही केदार कश्यप के बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी अब सामने आ गया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि सीएम किसान न्याय योजना की चौथी किस्त दे और बीजेपी सरकार किसानों को राहत पहुंचाए। धान खरीदी की एकमुश्त राशि 3100 रुपए का भुगतान बीजेपी सरकार को करना होगा। तो देखिए, वार और पलटवार का दौर अभी भी जारी है। केदार कश्यप ने जो बयान दिया था उस पर अब कांग्रेस का पलटवार सामने आ गया है। तो चलिए आपको दोनों पक्ष से बारी बारी सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। वो तो कांग्रेस ने हमेशा मतलब किस्तों पर ही हमारे किसानों को न्याय देने की कोशिश की और लगातार किसानों को भटकना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको एक मुश्त देगी और यदि कांग्रेस ने नहीं दिया है तो इसकी दोषी कांग्रेस है। धान की बोनस की घोषणा हो चुकी है। प्रथम मंत्रिमंडल में धान के लिए 25 दिसंबर को तय किया गया है। नवनिर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो चौथा किस्त था वो बचा हुआ उसको भी दें और धान का दाम जो 2100 रुपये क्विंटल दे रहे हैं MSP में उसको बढ़ा करके 3100 रुपया दें।